हाय फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर जो 2018 और 19 का है। जो सेक्शन ए में पहला है रीडिंग का, सेक्शन ए में सबसे पहला रीडिंग का पे क्वेश्चन होता है। रीडिंग के क्वेश्चन में 6 पैराग्राफ हैं टोटल। पहला बहुत बड़ा है पैराग्राफ है। यहाँ से सेक्शन बी चालू हो गया है जो राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में है। इसमें आपको नोटिस दिया जाता है लिखने को, या लेटर एडिटर को दिया जाता है लिखने को आपके लिए। ये इनकरेक्ट और करेक्ट है। इसमें हमें देखना होता है कि कौन सा वर्ड गलत है और यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। जैसे ई की जगह इन आएगा या इन की जगह दा आएगा, ऐसे होते हैं। अगर आपको सेंटेंस आते हैं तो ये आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद डू एस डायरेक्ट आता है। इसके बाद हमारे आते हैं जंबल वर्ड्स। फिर सेक्शन सी आता है हमारा टेक्स्ट बुक, जो बुकों से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें दो दिए हैं और बीच में, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन आपकी बुक में से स्नैपशॉट और हॉर्नबिल में से। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो आपको दिखा दिया है, इंग्लिश का था, क्लास 11th का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही क्लास 11th के सभी सब्जेक्टों की क्वेश्चन पेपर और आंसर की आप तक पहुंचा सकूं, जिससे आप अपनी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं लास्ट वीडियो में। जब तक के लिए इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करना।